हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं सेकंड सेमेस्टर कॉरपोरेट अकाउंट बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट का था एक कंसर्न था कि सर, और जो बीकॉम है आपका प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, जो न्यू कोर्स है उसकी बात कर रहा हूं, यानी एनईपी, इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट है, दैट इज आपका एक मेन कोर सब्जेक्ट है कॉरपोरेट, एंड एक है हमारा कंपनी लॉ। तो सर, एक कॉरपोरेट अकाउंट है और एक है हमारे पास कंपनी। दोनों ही सब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ में तो इंपॉर्टेंट प्ले करता ही रोल है, और हमारा कोर सब्जेक्ट भी है, तो इसमें चॉइस नहीं है, तो इसको हमें किस तरीके से टिकल करना है। कंपनी लॉ का मैंने 10 ईयर लिखा हुआ है, टोटल जो भी 16-17 चैप्टर में डिवाइड किया है। थोड़ा सा डीपर मैं कहूंगा लॉन्ग है, थोड़ा नहीं काफी लॉन्ग है सिलेबस। कंपनी लॉ का कंसाइज है, उसको हम देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसमें भी चैप्टर है, लेकिन हाँ, थियोरिटिकल तो वी कैन टिकल के समझाने पर समझ में आ जाएगा और लिख देंगे। बहुत बच्चों का कंसर्न है कि सर, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो अभी देखो, आपका जो एग्जाम के टाइम बचे हैं ना, 19 और 17 जुलाई को है, टुडे इज 7, यानी अप्रॉक्स हमारे पास 20 दिन ये बचे हुए हैं, 20 कहूंगा मैं, मतलब 17 को है, तो 10 दिन उधर, 30, 40 दिन बचे हैं टोटल हमारे पास। एवरेज काउंट करें, दैट इज 40 डेज। तो 40 डेज में काफी सारे बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, और सेमेस्टर वन में अच्छे से जानते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था, बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया था। रीजन भी, उन्होंने उनको काफी लाइटली ले लिया था। सर कैसे लाइटली? उन्होंने सोचा कि सर हो जाएगा, 12th वाला ही है, उस चक्कर में। इवन अभी भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कई ऑफलाइन सेंटर पे, बोलते हैं सर हमने सोचा तो हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि पहला ही चैप्टर है सिर्फ, और बाकी तो है ही नहीं। 40 डेज को स्टडी प्लान को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है। हमारे पास 5 यूनिट है टोटल, और उसी यूनिट को हम डिवाइड करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, और एक यूनिट नंबर 5 है, ठीक है सर। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर है सर, दैट इज शेयर कैपिटल, दूसरा आपका है शेयर कैपिटल के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा है हमारा बायबैक, चौथा है हमारा आपका इसके बाद हम बात करें तो बोनस इश्यू, फिर पांचवा है हमारा इसॉप, फिर हमारा है अंडरराइटर, फिर हमारा है अंडरराइटर के बाद हमारा है डिबेंचर। डिबेंचर बेसिकली 2 चैप्टर, ये चैप्टर है। बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि स्टार्टिंग में ना वो इन चैप्टर को पढ़ने लगता है, और पहला चैप्टर सबसे पहले देखता है, ये तो 12th वाला ही है। इसके बाद के सिर्फ डिबेंचर का पार्ट छोड़ दो, बाकी कोई भी 12th वाला नहीं है। और स्टूडेंट की गलती क्या है, यही यूनिट उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको यूनिट वो उठाना है, राइट नाउ आपके पास 40 डेज है, वो यूनिट पिक करना है जिसके अंदर जल्दी हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, तो हमारा जो ये यूनिट है, यहां है फाइनल अकाउंट, एंड एक है सीएफएस, यहां पे हमारा है गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और तीसरा है वैल्यू एडेड इन एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे है रिकंस्ट्रक्शन और एमलगेमेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन शॉर्ट, पहले भी कई बार मैंने हर बार वीडियो बनाया, लेकिन होता ना कि जो नए बच्चे ज्वाइन होते हैं वो ढूंढते हैं, उनको वीडियो मिल नहीं पाता, परेशान होते हैं, तो मैं इसलिए टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। तो सर सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए सीएफएस, सीएफएस यानी ये वाला चैप्टर, उसके बाद आप करिए गुडविल, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर इतने आसान से, और 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हम अक्रॉस 60% सिलेबस हम पहले 20 दिन में कंप्लीट कर लें, 20 से 25 दिन में 60%। नाउ 40% के लिए फाइट करेंगे। अगर हमने 40% सिलेबस कंप्लीट किया पहले 10 से 15 दिनों के अंदर,
तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, 60% फाइट में हमें दिक्कत होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ये वाला में आपका कैश फ्लो और ये यूनिट इजीली हो जाएगा, इसमें से रिकंस्ट्रक्शन बड़ा इजीली हो जाएगा और इसमें से शेयर कैपिटल इजीली हो जाएगा। जब लास्ट यूनिट है ये थ्योरिटिकल है, बेसिकली कुछ नॉर्म्स याद करने होंगे, जो बच्चा लॉ पढ़ेगा ऑटोमेटिकली उसे समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। तो ये कुछ हमारे यूनिट्स है जिसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है। सर सारी क्लासेस यूट्यूब पे मैंने स्पीडली डेली बेसिस पे 2 क्लासेस यूट्यूब पे डालना चालू कर दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। दूसरा कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर हमें ना मतलब कि ज्वाइन करना है लाइव क्लास में, कुछ डाउट होता है या फिर हमें एकदम से सारी वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाए, उसके लिए हमने क्या करा उन बच्चों के लिए जो बच्चे लेट कमर्स हैं उनके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लेके आए हैं। और ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ये बहुत ही मतलब 10 दिन बचे हैं, तो कितने का, तो 499 का आपका कॉरपोरेट अकाउंट का है। जो बच्चा बोलता है सर हमें कंपनी लॉ भी चाहिए ये भी चाहिए, कोई बात नहीं सर कंपनी लॉ थ्योरिटिकल है, मैं वैसे इंडिविजुअल ये 449 का है, लेकिन जो बच्चा दोनों लेना चाहता है ये आपको 199 का पड़ जाएगा, ठीक है ना, जो भी डिस्काउंट होगा वो पड़ जाएगा। इसके अंदर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा सारा, क्योंकि मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे करके डालूंगा, ये अभी फुल स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा और डाउट सेशन लाइव भी लूंगा। इसके अंदर आपकी डेली की डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस होगी, जिसमें से आपकी 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी, बाकी में जैसे टाइम मिलेगा रिकॉर्डेड, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है 10 बजे रात के बाद, तो मैं 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और सुबह तक अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो और YouTube पे भी डेली बेसिस पे जैसे वीडियो आ रहा है, अब YouTube पे ऐसा नहीं कर सकता मैं कि ये सारे चैप्टर एक साथ डाल दूं, तो उसमें क्या होगा बच्चों के साथ, उसमें दिक्कत कंफ्यूज हो सकती है, क्या रहे हो। तो हमारी मजबूरी वहां सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। यहाँ पे क्या है हमारे इस वाले फास्ट ट्रैक में आपको कंटेंट डेली बेसिस पे मिलेगा और एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा, सारी चीजें चार्ट वगैरह सारी चीजें मिलने वाली है। तो YouTube पे भी हम सारे कोर्सेज को करवाने वाले हैं और एप्लीकेशन पे, जो बच्चे YouTube पे कंफर्टेबल है सर YouTube पे रहिए आप, जो बच्चों को लगता है कि सर हम एप्लीकेशन पे आके कर सकते हैं एप्लीकेशन पे आइए। तो बस यही बता रहा था, 40 दिन बचे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, और आप सोचो मत कि कर लेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे, मत सोचिए, स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कैसे भी पढ़िए चाहे जहां भी पढ़िए, बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सर ये कॉर्पोरेट अकाउंट है और ये भारी पड़ जाता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो होपफुली जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे उनको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लाइव क्लासेस जैसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो चलती रहेगी जैसे क्लासेस चल रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।